ठीक टॉर्च। है, आ गया। फाइव की हमको रात में। अरे सेक्सी, आ जा आ जा, बैठ 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 बैठ। तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और भाई आज मैं खेल रहा पॉल और साइबर के साथ में, और हुआ कुछ ऐसा कि लॉबी में एक लड़की थी मिसिस सेनी नाम की, जो कि साइबर की फ़ैन थी, और साइबर इसको मार देता है। और उसके बाद में क्या हुआ तुम खुद देखना। और भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, ये सेम वॉइस ओवर मैं तीसरी बार कर रहा हूँ, क्योंकि आज भाई मेरे साथ गलत सीन हो चुके हैं। नहीं आता भाई, गेम प्ले बनाते में टाइटल बनता है। फिलहाल भाई ये लोग तो बात करते रहेंगे, हम बात करते हैं कि गेम में क्या हो रहा है। ठीक है, देखो मेरे पास में एक शॉट गन है, एक बस्ट गन है, और सामने है बंदे, और तुम्हें पता है कि मेरे पास में कोई भी गन हो मैं सीधा घुस जाता हूँ। वो बात अलग है कि अगर हम मर जाते हैं तो फिर बताते नहीं है कि कैसे हॉट ड्रॉप पर मरे। फिलहाल मैं जैसे ही यहाँ आया, ये मान लो कि इस वेयर हाउस में आके मेरी किस्मत खुल जाती है जब मेरे हाथ ये M4 लगती है, और यहीं से ये मैच डिसाइड हो चुका था कि हाँ भाई मैं जरूर चिकन निकाल सकता हूँ। फिलहाल मैं जैसे ही आया तभी सामने बंदा दिखाई दिया जो कि मेरे आगे प्रोन हुआ था। ठीक है, अब मैंने इसको नॉक तो कर दिया लेकिन भाई इसको फिनिश नहीं कर पाया, और इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं इनको घुस के मारूंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ आया तो मेरे को इधर से साउंड आया, और मेरे को लगा कि शायद ये लोग रिवाइव हो रहे हैं, और भाई मैं भी सीधा घुस गया। पीछे भी बंदा, अरे जहर, पीछे पीछे पीछे, अरे इसकी पेटी अंदर चली गई भाई। अब फाइनली गाइस पहले स्क्वाड को मारने के बाद में हम लोग को पता चला कि एक दूसरे स्क्वाड का बंदा शॉटगन लेके हम लोग को मारने आया है। तो मैंने इसको कहा बडी इधर आओ जरा। अभी इसने एक बंदे को फिनिश कर दिया, और मैंने इससे केवल एक ही चीज पूछी। ठीक है, इसको फिनिश किया था बॉट से। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ, शॉटगन रिलोड पे लग गई क्या, अब क्या करूं मैं। तो इसने बोला अब आए हुए इतनी दूर से मार के चले ही जाओ, ये तो गलती मेरी रिलोड हो गई। तो गाइस देखो नोवो यहाँ खाली हो गया, और इसके बाद में पता नहीं कहीं दूर कोई बंदा ये म्यूटेंट चला रहा था। बंदा था कि बॉट था ये आप लोग बताना। तो हम लोग जैसे यहाँ पर आए हमने देखी चारों तरफ पेटियाँ ही पेटियाँ, लेकिन बंदे का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। अबे यहाँ तो तीन तीन चार चार पेटियाँ बना के रखी इसने। फाइनली हम जैसे यहाँ पर आए तभी मेरे को पानी में कुछ प्राणी दिखाई दिए, और अब देखो तुम बताओ भाई ये बॉट है कि बंदा। मतलब तुम ही बताओ गाइस ये बॉट है कि बंदा, इनके हरकतों तो बिल्कुल बॉट वाली थी। फिलहाल तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं कि बहुत सारे लोग दुखी हो गए थे रॉयल पास के गिव अवे से जिनको नहीं मिल पाए, तो मैं 50 से 100 रॉयल पास के गिव अवे तो करूँगा ही। फिलहाल साइबर के चैनल पर भी गिव अवे चल रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो गिव अवे की भी और उस वीडियो की लिंक मैं दोनों के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना। और अब स्टार्ट करते हैं इंटेंस फाइट 1 जो कि होती है यहाँ से। सबसे पहले हमें एक बॉट दिखाई देता है अपने राइट साइड में, और उसके बाद देखना। जैसे इस बॉट को नॉक फिनिश किया तभी एक और बॉट पीछे की तरफ, यहाँ पे इसको। अब जैसे हमने इस बॉट को मारा तब तक टीम हमें चारों तरफ से घेर चुकी थी, जिनमें से एक बंदा लेफ्ट साइड भी आ चुका था। भाई साहब गाइस तुम्हें ये चलती गाड़ी का स्प्रे कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इस चलती गाड़ी के नॉक के लिए ना सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, मतलब सही में गाइस। फिलहाल अब तीसरा बंदा इन लोगों को पता नहीं कैसे दिखाई दे रहा था। अरे ये रहा बंदा यहाँ पे लूट रहा है। और फाइनली भाई सेकंडों में पूरी स्क्वाड निपट गई, तीन बंदों को मैंने नॉक कर दिया, चौथा बंदा भाई उसने क्या बताऊं पॉल को नॉक किया, और उसके बाद साइबर ने कवर दिया और उसको वहां पे भर दिया। ठीक है, और जैसे ही हम लोग यहां पर बूस्ट शूट करते हैं तभी मेरे को एक ना गाड़ी दिखाई देती है, और जो कि जाती है अपार्टमेंट की तरफ। अब मैं इनको रोकने के लिए स्प्रे भी देता हूँ, लेकिन भाई साहब ये लोग कहाँ ही रुकने वाले थे, लेकिन अपना तो डिसाइड था कि अब उठाओ गाड़ी और सीधा इन बंदों पर रश करते हैं। तो हम लोग यहाँ आए, हम लोगों ने गाड़ी चेंज करी, और तभी हम लोग को दूर से ना इस वाले घर पे एक गाड़ी रेंडर हो रही थी, मतलब या तो यहाँ बंदे हैं या फिर उन लोगों ने गाड़ी चेंज कर लिया, वो तो हमें यहाँ जाके पता चलेगा। यहाँ से अपार्टमेंट्स गए हैं, अपार्टमेंट्स। तो जैसे हम आए तो हमें पता चलेगा कि ये बंदे यहाँ से गाड़ी उठा के अपार्टमेंट गए, और अब अपार्टमेंट पे देखो तुम भाई क्या सीन है, मतलब सही में देखो।
अपार्टमेंट्स में पूरी स्क्वाड भाई रेंडर हुआ भाई, बहुत गंदा रेंडर। अरे भाई 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 खत्म। और भाई अब जैसे यहाँ आए आज तुम बस यहाँ देखो क्या ही हिस्ट्री बनने वाली है। अब देखो मैंने ना डिसाइड कर लिया था कि मैं ग्रेनेड नहीं फेंक रहा आज क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नॉक हो रहा हूँ। मैं तुम लोगों को कवर दूंगा, तुम फेंको ग्रेनेड। और तभी यहाँ पर देखो कौन नॉक हुआ। और अब पूरी बात सुनना, यहाँ पे गाड़ी आ गई। ओए शेरनी मार दी इसने, शेरनी मार दी भाई शेरनी। मुझे भाई बोल रही ऑल प्ले खत्म भाई खत्म। अब भाई साहब देखो शेरनी तो नॉक भी हुई, फिनिश भी हो गई। उसके बाद में यहाँ कोई बंदा बिग फैन भी बोल रहा था, हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पर आई थिंक दो टीम थी, ठीक है, हमें ऐसा लग रहा था। तो हम लोगों का बस इतना था कि अगर कोई सामने चल के आएगा एक बार को तो हम लोग फाइट नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे छुपा हुआ है और बिग फैन बोला था हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ आया और तभी मेरे को उस बंदे की पोजीशन पता चल गई और जो कि था यहाँ सामने वाले रूम में। सो मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, फुल कुक करके वेट किया और यकीन मानिए ये शेरनी का ही फ्रेंड था। अब गाइस जैसे ही मैंने इस बंदे को मारा तभी यहाँ पर बग्गी वाले एक बंदा आया और उसके बाद तुम इन दोनों की बात सुनना, साइबर की और पॉल की। भाई एक नंबर। साइबर का तो इस बंदे ने आते स्वाहा सा कर दिया। अब मेरी बात सुनो, कोई भी हंसेगा नहीं, चुपचाप इनकी बात सुनना। इन दोनों की बात सुन के तो वैसे हंसी तो मेरी छूट गई थी, बाकी तुम भी सुनो ये लोग क्या बात करते हैं। भाई शेरनी को मार दिया साइबर तुमने, वहां मेरा दिल टूट गया, पता कितनी कारी आवाज सुनी थी हॉल पर। लेकिन फैन तो मेरी थी भाई, मेरे लिए तो जान भी दे देती। देख रहे हो भाई साहब, निकल ले। फिलहाल यहाँ पर एक बंदा था और जो कि भाई यहाँ से गाड़ी लेके भागता है और उसके बाद तो भाई गलती सीन होने वाले हैं। निकलो तुम लोग निकलो, मैं बग्गी लेके आ रहा हूँ। तो हमारा ये डिसाइड हुआ है कि हमें उस बंदे के पीछे जाना है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद साइबर की तरफ से कुछ ये कॉल आई। अबे 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 बंदे 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 यहाँ आ जा यहाँ आ जा यहाँ जा, पीछे हिल पे बंदे, हिल पे बंदे, पीछे ही रोकना गाड़ी। और अब देखो इस पॉल ने आज कैसे हमें मौत के मुंह में लेके गया जी। अब मैंने इन बंदों को थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया, मतलब ये थोड़े बहुत लेट हो गए, उसके बाद अपनी गाड़ी का हो गया फ्यूल खत्म। भोसड़ी के यहाँ और फ्यूल डालने का बिल्कुल भी ये टाइम नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने स्मोक किया। उधर साइबर ने एक बंदे को नॉक कर दिया। ओके वो वाला नॉक आ गया वो हील करने आ गया। मारो 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 एनिमीज अहेड पीछे एकदम इजी है। भाई अब देखो साइबर ने जिस बंदे को नॉक किया था उसका नाम सुनना, अभी जब वो फिनिश करेगा तो भी किल फीड में देखना। और सेम यही बंदा हमें भाई पता नहीं कैसे इस बंदे की आत्मा आ गई थी इस गेम के लास्ट में भी मिलने वाला है, ठीक है, बाकी के भी वहीं पे होंगे। अब इसके बाद हम बाकी के इनके टीममेट्स को ढूंढ रहे थे जो कि हमें यहाँ नहीं दिखाई दिया। और फाइनली अब स्वागत करो गाइस इंटेंस फाइट 2। तो जैसे ही हम लोग जॉर्जो पुल की तरफ निकलते तभी मेरे को यहाँ सामने पहाड़ी पर पूरी की पूरी स्क्वाड दिखाई देती है भाई। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग यहाँ पहाड़ी पे जाएंगे, लेकिन कमाल की बात ये कि वहाँ ऑलरेडी एक टीम है भाई, मतलब हम फंसने वाले हैं दो टीमों के बीच में। वहीं पे ले रहा हूँ, वहीं पे ले रहा हूँ। अबे देखिए 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 देखिए। अब जैसे मैंने एक बंदे को नॉक किया दूसरे बंदे ने मेरे को भर दिया और साइबर ने उस बंदे को नॉक फिनिश कर दिया। और उसके बाद हम लोग रश करते हैं इस दूसरी टीम पे। तो हम लोगों ने क्या करा कि मैं तो इधर से निकल ही रहा था, साइबर गाड़ी लेके सबकी पोजीशन बता रहा था, मतलब एक रोटेशन दिया उसने। नीचे चला एक ये रहा, दो दो बंदे, एक बंदा नॉक पड़ा है, इसका नॉक पड़ा है, कहीं भी बचूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा इधर से आ रहा। अब इसके बाद अपनी टीम से साइबर हो चुका था नॉक और मैं ले चुका था रोटेशन लेफ्ट। जैसे मैंने बंदे को नॉक किया मैं कवर में आके फर्स्ट एड लगाता हूँ और इतनी देर में इस टीम का लास्ट बंदा भाई सीधा हम पे रश करता है और देखो फिर वो कैसे मरा। भाई ये बंदा जोन से मर गया, बेचारे का किल जो है ना तो साइबर को मिला और ना ही पॉल को मिला, मतलब देख रहे हो तुम भाई साहब। और गाइस यहाँ की फाइट तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर तुमने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं ठोका ना तो भाई अब तो ठोक ही देना। फिलहाल इसके बाद 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग इस बग्गी से जोन में जाते हुए
और पता नहीं कितनी देर तक जाएंगे, बस देखते रहो। छोड़ो भाई, अगर मैं तुम्हें पूरी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा ना, तुम बोर होके भाग जाओगे यहाँ से। इसीलिए फाइनली हम लोग 2 घंटे के बाद यहाँ आए, और इसके बाद हम लोग जोन में निकलने वाले हैं। अब यकीन मानिए गाइस, इसके बाद हम पूरे जोन में घूमे लेकिन हमें कहीं भी बंदे नहीं दिखाई दिए। और फाइनली पता चला कि हॉस्पिटल में कुछ नए मरीज भर्ती हुए, तो उनका हालचाल पूछ के आ जाओ। तो हम लोग यहाँ, अब जैसे हम लोग यहाँ आए, तभी देखो भाई यहाँ 2 मरीजों की आपस में लड़ाई चल रही थी। जैसे इस बंदे को नॉक किया, मैं इसको फिनिश करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन दुख की बात ये कि अब वो बंदा जा चुका है कवर में। और फिनिश करने के लिए या इनको मारने के लिए हमें चलना होगा गाड़ी लेके हॉस्पिटल में, सिंपल। मगर भाई यहाँ की जो फाइट होने वाली है, इसका पूरा क्रेड इन दोनों को ही जाता है, क्योंकि मेरे से तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है। मैं बहुत दिनों बाद हॉस्पिटल में आया और भाई कुछ नहीं पता चला। बस तुम अब देखते जाओ यहाँ की फाइट। और अब देखो यहाँ साइबर होने वाला है नॉक, और उसके बाद में मेरे साथ अलग ही पंगे चलने वाले। अब देखो मैंने जिस बंदे को लिट किया, वो बंदा नीचे कूद जाता है बिल्कुल, और मुझे पता चलता है कि वो बंदा कर रहा है ग्रेनेड, तो मैं इसलिए सीधा उस पर रश करता हूँ। बंदा पीछे पीछे से भी आ गया कोई, और तभी वो बंदा ऊपर आता है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि वो बंदा इसी कमरे में लेफ्ट में छिपा हुआ है। और इस तरीके से भाई मुझे नहीं पता यहाँ 3 बंदे थे कि 2 थे कि 4 थे, पर सब मर गए, मुझे एक भी किल नहीं मिला। मगर अभी एक मिस्ट्री तो बची हुई है ना सॉल्व करने के लिए। तो लास्ट वाले जो बंदे थे वो यहाँ थे, हम जैसे इन पर रश करते हैं तभी इस बंदे का नाम पढ़ना जिसको हमने नॉक किया है। अबे गाड़ी फंसा के गया है पॉल हरामखोर। भाई ये वही बंदा है ना नेहरा नाम का, ध्यान से देखो बस। मैं भी इसे दोबारा नॉक फिनिश करने वाला हूँ। अब लास्ट बंदा कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जैसे ही आया तभी मेरे को इधर ग्लिच होके उसका हाथ दिखाई दिया। तुमने देखा गाइस लास्ट वाले बंदे का नाम मतलब क्या ही था ये। फिलहाल मेरा सेकंड लास्ट किल तो छूट चुका है। तो गाइस तुम्हें गेम प्ले कैसा लगा? अब पहले काम करो, जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा के ड्रीम कंप्लीट करा दो मेरा 2 मिलियन का। तो सभी लोग एक सब्सक्राइब कर देना, अगर जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना। कमेंट करके बताना सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा, सही में भाई इंटेंस फाइट थी कि नहीं। बाकी इंस्टाग्राम पे आओ, बहुत सारे रील हैं, बहुत सारा कुछ आप लोगों के लिए, कुछ शिकायत करनी हो तो भी आओ। बाकी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स वॉचिंग गाइस, बाय बाय।